तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ उसका सामना अवतार जैसे कुछ ब्लू क्रिएचर से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम रेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। शाम होते होते वो सारी तैयारी कर लेती है लेकिन उसकी मोम काम की वजह से घर वापस नहीं आ पाती। रेनी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मोम से मिलने उसके ऑफिस की ओर निकल जाती है। उसकी मोम आइलीन एक रिसर्च कंपनी में काम करती है और उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका मार्केट वैल्यू दिन ब दिन गिरता जा रहा है। वो अपने कलीग जस्टिन से एक मीटिंग बुलाने को कहती है और तभी उसके पास रेनी का फोन आता है। रेनी अपना बर्थडे भूलने के लिए उस पर बहुत नाराज होती है और कहती है कि आप काम की वजह से मुझे हमेशा इग्नोर करती हो। फिर वो अपनी मोम को नीचे गेट पर आने को कहती है लेकिन देखती है कि उसकी मोम तो टेस्टिंग के लिए लाई मंकी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। गुस्से में अपना फोन फेंक कर वो जंगल में चली जाती है और आइलीन जस्टिन से उसे चेक करने को बोलती है। यही हम कंपनी के बॉस कैन को देखते हैं जो किसी स्पेस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो उस टेस्टिंग वाले मंकी पर एक लेजर फायर करता है लेकिन वो उसे मिस करते हुए जंगल में खड़ी रेनी से जा टकराती है और वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। कैन के लोग ये देखकर घबरा जाते हैं लेकिन कैन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली हमने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया है। उधर रेनी टेलीपोर्ट होकर एक नए प्लेनेट पर आ जाती है और देखती है कि ये जगह देखने में बहुत सुंदर लग रही है। उसे लगता है कि ये शायद जंगल का कोई दूसरा कोना है और तभी उसे सामने एक बड़ा सा वॉटरफॉल नजर आता है। वो अभी उसे देख ही रही होती है कि अचानक एक अजीब सा जानवर उसके सामने आ जाता है और ये देखकर रेनी बहुत डर जाती है। इधर जस्टिन आइलीन को बताता है कि नीचे उसे साइकिल और फोन के अलावा कोई नहीं मिला और आइलीन को लगता है कि शायद रेनी उसे परेशान कर रही है। जस्टिन उसे समझाता है कि शायद वो वापस घर चली गई है और तुम्हें उसे वही जाकर ढूंढना चाहिए। उधर रेनी भागते हुए उस क्रीचर से कहीं दूर निकल आती है लेकिन जहाँ उसका सामना एक और भयानक मॉन्स्टर से होता है। तभी उस मॉन्स्टर के पैर में एक चाकू आकर लगता है और रेनी देखती है कि एक नीले रंग का लड़का उसकी मदद करने आया है जो देखने में किसी आदिवासी जैसा लग रहा है। वो लड़का उसे लेकर भागने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर फिर एक बार उन्हें घेर लेता है। यहाँ रेनी अपने सामने उस पहले वाले क्रीचर को देखती है और वो लड़का उन दोनों में लड़ाई करा देता है और इसका फायदा उठाकर वो बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो लड़का रेनी को बेहोश कर देता है और आँख खुलने पर वो देखती है कि वहाँ वो लड़का और एक आदमी उसे खाने की बात कर रहे हैं। ये देखकर वो डर जाती है लेकिन वो आदमी उसे यकीन दिलाता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो लोग उसे कुछ खाने को देते हैं और यहाँ रेनी को पता चलता है कि ये आदमी असल में डॉक्टर सेडविक है और ये लड़का उसका ग्रैंडसन ब्लू है। वो उससे ब्लू के इस तरह दिखने का कारण पूछती है और ब्लू उसे बताता है कि ये तो बस एक म्यूटेशन के कारण है और मैं इन्हीं का ग्रैंडसन हूँ। आगे रेनी उनसे उन क्रीचर्स के बारे में पूछती है कि आखिर वो डायनासोर जैसे जीव यहाँ क्या कर रहे हैं। तब सेडविक उसे बताता है कि वो डायनासोर नहीं हो सकते क्योंकि इस वक्त हम अर्थ की बजाय किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं। ये सुनकर रेनी के होश उड़ जाते हैं और सेडविक उसे बताता है कि ये एक तरह का जंगल प्लेनेट है और उसी ने यहाँ तक आने के लिए एक पोर्टल की खोज की थी ताकि वो यहाँ की लाइफ पर रिसर्च कर सके। अगला पोर्टल खुलने में अब 3 दिन का वक्त है और तब वो रेनी को वापस घर भेजने को कहता है लेकिन रेनी वापस जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता। आगे हम सेडविक को अपनी लैब में देखते हैं लेकिन पता चलता है कि वो असल में कैन के लिए काम करता है और वो लोग यहाँ के ब्लू क्रीचर्स का DNA पाना चाहते हैं। कैन को उसके ढीले ढाले बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो सेडविक से तुरंत उस पोर्टल को खोलने को कहता है ताकि वो और उसके सोल्जर्स जंगल प्लेनेट पर आ सके। लेकिन सेडविक को डर है कि ऐसा करने से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो इस काम को जल्दी से करने का प्रॉमिस करता है। फिर वो उन्हें रेनी के बारे में बताता है और पूछता है कि आखिर वो अकेले यहाँ कैसे आ पहुँची। कैन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसका मतलब वो पोर्टल को अर्थ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यही सोचकर वो अपने लोगों से तुरंत उस पोर्टल को दोबारा खोलने को कहता है। यहाँ एक साइंटिस्ट इस बात की खबर आइलीन को देता है जो इस वक्त रेनी को अपने घर में ढूंढ रही है। वहाँ वो उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारियों को देखती है और उसे बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी बेटी के बर्थडे को खराब कर दिया। तभी उसे उस साइंटिस्ट का मैसेज मिलता है जो रेनी को बचाने के लिए तुरंत उसे ऑफिस में आने को कहता है।
इधर सोते हुए ब्लू की अचानक आँख खुल जाती है और वो देखता है कि रेनी बाहर अकेले बैठी हुई है। वो वहाँ उससे बात करने जाता है और रेनी उसे बताती है कि उसकी मॉम को उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है और वो इस प्लेनेट से कभी वापस नहीं जाना चाहती। वो ब्लू से खुद को कहीं दूर ले जाने को बोलती है ताकि सेडविक उसे वापस ना भेज पाए, लेकिन ब्लू उसे समझाता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और हम इस तरह यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। रेनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो किसी तरह ब्लू को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। सुबह वो लोग मैप पर किसी सेफ जगह की तलाश करते हैं और तभी सेडविक उन्हें बताता है कि वो फॉलन फॉरेस्ट में कुछ सैंपल लेने जा रहा है और आज उन्हें घर पर अकेले ही रहना होगा। रेनी को ये सुनकर एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम सेडविक के साथ छुपकर वहां चले, और ब्लू को भी उसकी ये बात माननी पड़ती है। इधर सेडविक इस जर्नी के लिए अपनी मशीन के पास आता है और उसे एक्टिवेट करने लगता है और उधर ब्लू और रेनी छुपकर उसमें चढ़ जाते हैं। ब्लू बताता है कि दादाजी काफी टाइम से कुछ मैजिकल प्लांट्स ढूंढ रहे हैं जिनमें इंसानों के जैसे ही बहुत नॉलेज है, लेकिन आज तक वो उन्हें कहीं नहीं मिले। रेनी को ये एक एडवेंचर की तरह लगता है और वो प्लान बनाती है कि आज हम इन्हीं प्लांट्स को ढूंढेंगे। उधर कैन जाने से पहले उस मंकी को पोर्टल में भेजता है और वो देखते हैं कि वो सही सलामत वहाँ पहुँच गया है। तब कैन उनसे अपनी मशीन तैयार करने को बोलता है और वो और उसके सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ लैब में वो सेडविक के साथ ब्लू की पिक्चर देखते हैं और कैन समझ जाता है कि वो इतने टाइम से उन्हें धोखा दे रहा था। आइलिन भी किसी तरह कैन की लैब में पहुँच जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किसी और प्लेनेट पर है। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और तब वो साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी वहाँ भेज सकते हैं। ब्लू और रेनी मशीन से निकलकर उन प्लांट्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक कुछ जड़े रेनी को कैद कर लेती हैं और पता चलता है कि वहाँ ब्लू के जैसे ही कुछ और एलियंस भी हैं। ये लोग अपना नाम मूला और टूला बताते हैं जो इस प्लेनेट पर रहने वाले ल्यूमर प्रजाति से हैं और पूछते हैं कि आखिर एक इंसान और ल्यूमर में दोस्ती कैसे हो सकती है। ब्लू भी खुद से उनको कनेक्टेड फील करता है और तब टूला उसे बताता है कि तुम भी हमारी तरह एक ल्यूमर ही हो और 12 साल पहले सेडविक ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर वो ब्लू को अपनी ट्राइब की मैजिकल पावर देता है जिससे वो किसी भी प्लांट को अपने वश में कर सकता है। रेनी ब्लू को समझाती है कि तुम्हें इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने दादाजी के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ब्लू के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर रेनी उसे मनाने उसके पीछे जाती है। उधर मूला और टूला को ब्लू की चिंता होने लगती है और तभी वहाँ डॉक्टर सेडविक आ जाता है जो असल में प्लांट्स के बहाने इन दोनों को ही ढूंढ रहा था। वो अपनी इलेक्ट्रिक डार्ट से उन पर हमला करता है जिसे पकड़ते ही मूला बेहोश हो जाता है। टूला उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि सेडविक वहाँ आ पहुँचा है। आगे हम ब्लू को देखते हैं जिसे लगता है कि शायद सेडविक उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज कर रहा था, लेकिन रेनी उसे समझाती है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है और भूलकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उसे उसका फेवरेट चाकू देती है जो सेडविक ने उसे गिफ्ट दिया था और कहती है कि सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है और तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। ब्लू भी उसकी बात समझ जाता है और वो दोनों वापस घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें टूला बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और ब्लू देखता है कि ये उसके दादाजी का ही काम है। तभी अचानक टूला को होश आ जाता है और वो रेनी पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन ब्लू बीच में आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि इसमें रेनी की कोई गलती नहीं है और हम लोग मिलकर तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हैं। इधर सेडविक मूला को लेकर लैब में आता है और देखता है कि वहाँ कैन और उसके सोल्जर्स आ पहुँचे हैं। उसे उनके पोर्टल खोलने पर बहुत हैरानी होती है, लेकिन कैन उसे बताता है कि वो इसके लिए बहुत टाइम से लगा हुआ था। फिर वो सेडविक से ब्लू के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों छुपा कर रखा था, और सेडविक उसे बताता है कि ये बच्चा मुझे घायल पड़ा हुआ मिला था और तब से मैं इसे अपने पोते की तरह रख रहा हूँ। ब्लू भी वहाँ पहुँचकर ये सब सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि सेडविक का प्यार एकदम सच्चा था। फिर वो मूला का डीएनए निकालने लगता है, लेकिन तभी टूला उन पर अटैक कर देता है और ब्लू भी अपने दादाजी की मदद करने आता है। सोल्जर्स जल्दी ही टूला पर काबू पा लेते हैं और सेडविक ब्लू को समझाता है कि वो ये सब उसे बताने ही वाला था, लेकिन उसे इसके लिए सही वक्त नहीं मिल पाया।
ब्लू इन सब के लिए उसे माफ कर देता है और ये देखकर सेडविक भी रिलैक्स फील करता है। तभी कैन उसे मूला से वो डीएनए निकालने को कहता है और जल्दी ही सेडविक ये प्रोसेस पूरा कर लेता है, लेकिन कहता है कि पहले तुम्हें इन सबको यहाँ से भागने देना होगा। वो चारों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और कैन जबरदस्ती उससे वो डीएनए छीन लेता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट आइलिन को पोर्टल में भेजने को तैयार हो जाते हैं और साथ ही उसे एक फ्रीज गन और एक डी बूस्टिंग चिप देते हैं जिसे वो कैन की मशीन को रोक सकती है। इधर कैन के लोग ब्लू और उसके दोस्तों का पीछा करते हैं, लेकिन टूला अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है। तभी वो कैन को अपनी मशीन के साथ आते हुए देखते हैं जो उनके मॉन्स्टर प्लांट्स को नष्ट कर देता है। तब रेनी उसका ध्यान भटकाने आती है और ब्लू अपनी पावर से उसके शीशे को ब्लॉक कर देता है जिससे मशीन एक चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाती है। वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और ब्लू मशीन में फंसे अपने चाकू को वापस लेने जाता है, लेकिन तभी वो मशीन एक्टिव हो जाती है और इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा पाए सेडविक अपनी मशीन से उसे रोकने आ जाता है जिसके साथ वो छोटा सा मंकी भी है। रेनी उनके साथ मशीन में बैठ जाती है और ब्लू अपने ट्राइब के साथ कोई आइडिया ढूंढने जाता है। पुरानी होने के कारण सेटवी की मशीन कमजोर पड़ने लगती है और कैन उन्हें अपने लेजर से मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी मशीन फ्रीज हो जाती है और वो देखते हैं कि आइलिन यहाँ उन्हें बचाने आई है। वो उस मशीन पर वो चिप लगाने लगती है, लेकिन कैन इससे भी खुद को आजाद करा लेता है और आइलिन उछलकर दूर जा गिरती है। तभी वो मंकी मशीन में घुसकर कैन को तंग करने लगता है और उधर रेनी अपनी मॉम को चेक करने जाती है। आइलिन उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। फिर रेनी वो चिप लेकर कैन की मशीन को डीएक्टिवेट करने जाती है और ल्यूमो ट्राइब मैजिक से उसे हवा में उड़ाने लगते हैं। कैन उसे अपने रोबोटिक हैंड से मसलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से जाम हो जाता है और रेनी देखती है कि ये सब ब्लू के चाकू की वजह से हुआ है। फिर फाइनली वो चिप लगाकर उस मशीन को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन ब्लू का चाकू निकालने के चक्कर में मशीन के साथ नीचे खाई में गिर जाती है। सबको लगता है कि शायद वो मारी गई है, लेकिन तभी उसकी मॉम को उसकी आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ब्लू के चाकू ने उसकी जान बचा ली है। मंकी भी उस डीएनए ट्यूब को वापस निकाल लाता है और सेडविक देखता है कि ये सिर्फ इसी प्लेनेट से कनेक्टेड है और अर्थ पर जिंदा नहीं रह पाता। ये जानकर वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करने निकल जाता है और ब्लू भी अपना चाकू देकर रेनी से अलविदा लेता है। आखिर में वो सब एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।